अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल मुरज़ेब यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम मुरज़ेब है। दोस्तों काफी दिनों से मैंने वीडियो तैयार करके रखी हुई है कि दराज पर आप जो जब से दराज का नया सेलर सेंटर आया है उस पर काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि यार उस पर वीडियो बनाओ, क्योंकि उस पर काफी इंटरफेस चेंज हो चुका है दराज का, तो उस पर सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा कि आप दराज के नए सेलर सेंटर पर आप कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे। उस पर लोगों को काफी पहले भी मसले आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं। अकाउंट वेरिफिकेशन में मसला आ रहा है, एड्रेस वेरिफिकेशन में मसला आ रहा है, और इसके अलावा इसके साथ जुड़ी हुई अकाउंट वेरिफिकेशन के साथ जुड़ी हुई वीडियो है कि आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि लास्ट में एक प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे तो तब अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में मसला आता है डायमेंशन का, और बहुत सारी चीजें इन्होंने चेंज कर दी है, तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे ए टू जेड। और मोबाइल पे आप लोगों को बताऊंगा कि आपको मोबाइल पे कैसे, क्योंकि ज्यादातर जो लोग दराज पे काम करते हैं वो मोबाइल से करना चाह रहे हैं, तो मैं मोबाइल से बताऊंगा कि आपने कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है लास्ट तक। अच्छा, इसके अलावा अकाउंट का मसला है कि अकाउंट हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो हम कैसे बैंक डिटेल दें दराज के लिए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे इजी पैसा से अकाउंट वेरीफाई करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप इजी पैसा से भी कर सकते हैं। अगर आपको बैंक अकाउंट एड करना है, और यहाँ पे जैसा कि मैंने इजी पैसा आप लोगों को दिखाना है, तो आप बैंक अकाउंट इजी पैसा में जहां जो चीजें मैं ऐड करूंगा वो आप अपने बैंक की डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने पास यहाँ पे ये ओपन किया हुआ है, दराज सेलर ऐप ओपन की हुई है। और अब अगर आप यहाँ पे इसको इनेबल कर देंगे और यहाँ पे आपने इसको ओपन करना है, और जैसे दराज ये अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको दराज सेलर सेंटर की एप्लीकेशन, इसको आप अपने पास ऐप स्टोर से, आप अपने पास इसको प्ले स्टोर से आप अपने पास इसको डाउनलोड कर लें। करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये ऑप्शन देगा कि आप कंट्री सिलेक्ट करें, क्योंकि दराज चार कंट्रीज में आप काम कर रहे हैं, और आपने सबसे पहले पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको अलाउ करना है, और अलाउ करेंगे तो फिर उसके बाद जो है ये आगे बढ़ेगा, और यहाँ आपने रजिस्टर विद मोबाइल नंबर, सही है, रजिस्टर विद मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। जैसे आप मोबाइल नंबर ऐड करेंगे अपना, तो यहाँ जैसा कि मैं मोबाइल नंबर ऐड करता हूँ, और यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, सही है। तो ये यहाँ पे कोड मांगेगा, आपके पास मोबाइल पर कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है, सही है। वो कोड जैसा कि मेरे पास आया तो मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया, और नेक्स्ट करना है। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन देगा, तो ये करने के बाद आपने यहाँ पे अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो वो ऐड कर लें, और उसके बाद जो है आपने एग्री एंड अकाउंट क्रिएट इस पर क्लिक करना है, सही है। रेफरल कोड अगर आपको ऐड करना है तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो कर लें। तो ये आप ओके करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये चार ऑप्शन आ जाएंगे सारे, सही है। अच्छा, अब ये चार आपने ऐड करने हैं, इन चारों को जब फिल करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो चुकेगा, सही है। ऊपर अगर आप देखते हैं तो ऊपर आपके पास शॉप में कुछ आ रहे हैं, आपके पास है सीजेटी, ये खुद ही बाय डिफॉल्ट स्टोर नेम आ रहा है, इसको भी हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ऐड प्रोफाइल पे, तो ऐड प्रोफाइल पे आएंगे, यहाँ पे जैसा कि ऐड प्रोफाइल पे क्लिक किया, और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ऐड प्रोफाइल पे क्लिक किया, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, सही है। सबसे पहले आपने ऊपर ईमेल एड्रेस आप जैसे मेंशन करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आप अपने अकाउंट पे वेरीफिकेशन मोबाइल पे वेरीफाई करो पहले, सही है। तो यहाँ पे आपने सेंड पे क्लिक करना है, जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे आपके पास मोबाइल पे कोड आया, वो कोड आपने यहाँ पे ऐड करना है, सही है। और जैसा कि मेरे पास मोबाइल पे आया तो मैंने ऐड किया, तो उसके बाद सबमिट किया, तो अब मैं यहाँ पे ईमेल ऐड कर सकता हूँ, सही है। न्यू ईमेल एड्रेस में मैंने अपना ईमेल ऐड किया, और उसके बाद मैंने वेरीफिकेशन इस पर सेंड किया। अब सबमिट, जैसा कि मेरे पास ईमेल पे इसी ईमेल पे कोड आया हुआ है, और वो कोड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, सही है। वो ऐड किया और सबमिट किया, तो अब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, हमारे पास ईमेल, हमारा फ़ोन नंबर, सही है, ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो अब उसके बाद आएगा क्या भाई, आप जो है अपना स्टोर नेम चेंज करो, सही है। अब जैसा कि इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वो मेरे सामने है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना स्टोर का नाम डाल देता हूँ, गैजेट्स शॉप, सही है, गैजेट्स स्टोर में डाल देता हूँ। और ये किया तो उसके बाद सबमिट किया, सही है। ये नहीं हो रहा क्योंकि
ये ऑलरेडी गैजेट स्टोर है तो इसमें 23 ऐड करके इसको सबमिट कर देते हैं। सही है, ये सबमिट किया, अब हमारा पहला जो प्रोफाइल वाला सेक्शन है वो हो गया कंप्लीट। सही, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आप अगर यहाँ पर देखें तो एड प्रोफाइल ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे जाते हैं, आगे एड एड्रेस पर क्लिक करते हैं। सही है, एड्रेस पर करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना बिजनेस एड्रेस आपने सेलेक्ट करना है ऊपर। अच्छा, ये जैसा कि मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, ये हो गया अपने पास बिजनेस एड्रेस। और उसके बाद नीचे आपने लोकेशन पर क्लिक करना है, लोकेशन पर आपने अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो वेयर हाउस एड्रेस सेम एज बिजनेस, रिटर्न एड्रेस सेम एज बिजनेस। तो जो आपका वेयर हाउस एड्रेस होगा जहाँ से पिकअप, जहाँ से माल आप भेजते हैं, जहाँ पे आपको रिटर्न चाहिए, तो वो आप सेम भी रख सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस पे ऑप्शन को ऑफ करेंगे तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। सही है, और इसको जैसे सबमिट किया तो ये हो गया, सही है, ऐड हो गया हमारे पास एड्रेस भी। सही है, अब एड्रेस भी, अब एड्रेस में एक मसला आता है, एड्रेस में मसला ये आता है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो गांव देहातों में होते हैं, और गांव देहातों में वो मकान नंबर नहीं होता। आपको पता होगा कि वहां मकान नंबर नहीं होता, करीब में कोई मस्जिद, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल उसका नाम डालते हैं, तो इस तरह वहां के एड्रेस होते हैं। सही है, अब यहाँ पे दराज पे मसला ये है कि यहाँ पे आपने एड्रेस में हाउस नंबर डालना लाजमी है। अगर आप हाउस नंबर नहीं डालेंगे तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, आपके पास एरर आ जाता है। तो मेरे पास बहुत सारे इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं, बोलते हैं यार ये एड्रेस में एरर आ रहा है, तो मैं हर एक को अलग अलग करके बता रहा होता हूँ। तो ये मसला आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि हाउस नंबर अगर आपका नहीं है, आप गाँव देहातों में रहते हैं, आपके पास हाउस नंबर नहीं है, तो आप कोई भी डमी हाउस नंबर डाल दें। फॉर एग्जाम्पल, कोने से गली से आप मकान गिनने शुरू करें कि आपका कौन सा है, छठे नंबर का है, आप ऐसा डाल, कुरियर वाले को तो पता होता है, या दराज पे अगर आप भेजेंगे तो उसका जो रिटर्न वगैरह आते रहेंगे उसको भी पता होगा कि भाई आपका कौन सा घर है, क्योंकि वो कॉल करते हैं, वो एक बार आते हैं उनको पता चल जाता है। लेकिन ये दराज के लिए तो चाहिए, तो आपको कोई ना कोई हाउस नंबर डालना है, बाकी सारा एड्रेस आप वही रखें। सही है, अच्छा, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, आगे वेरीफाई आईडी एंड बैंक। सही है, अब इस पर जैसे क्लिक किया तो यहाँ रजिस्टर एज इंडिविजुअल, रजिस्टर एज इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। यहाँ पे भी सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, यहाँ पे हमेशा लोग समझते हैं कि नीचे रजिस्टर एज इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, समझते हैं कि यार मुझे, मैं तो दराल पे बिजनेस कर रहा हूँ तो यहाँ बिजनेस का वर्ड लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। हमेशा आप कभी भी अगर आपका कोई भी कंपनी है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। सही है, ये सिर्फ कंपनीज के लिए है, जो बड़ा ब्रांड है, आपका कोई अपना ब्रांड है, आपकी कंपनी रजिस्टर है, फिर आप इसको सेलेक्ट करें, इसको कभी भी ना मत करें सेलेक्ट। जब इसको बहुत सारे लोग सेलेक्ट कर लेते हैं फिर मुझसे पूछते हैं यार क्या करें, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर दराज से जाकर इसकी करेक्शन करवानी होती है, दराज उसको कैंसिल करता है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल का ऑप्शन आता है। बहुत सारे लोगों का नहीं होता, फिर उनको नया मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ता है, उस मोबाइल पर ऑलरेडी शॉप का ऑप्शन होता है, तो इसलिए वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो बेहतर है कि आप यहां से ही सेलेक्ट करें। हमेशा आप स्टूडेंट हैं, आप घर पे काम करना चाहते हैं, लोकल सेलर हैं, कोई अपनी प्रोडक्ट है किसी जगह से उठाते हैं, आपने रजिस्टर एज इंडिविजुअल करना है, लाजमी याद रख लें। तो यहां से आपने जैसे ये सेलेक्ट किया तो ये सेलेक्ट करेंगे तो आगे आपके पास ऑप्शन आएगा आईडी कार्ड का। आईडी अभी फ्रंट, जैसा कि मैंने अपना ऐड किया और मैंने अपना बैग भी ऐड कर लिया, अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा लेकिन बैग मेरा ऐड हो गया। तो जैसे मैंने दोनों स्क्रीन ऐड किए हैं स्क्रीनशॉट, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरा नाम इसने ऑटो जनरेट कर लिया, मतलब खुद ही उठा लिया है नाम। सही है, अगर यहाँ पे आपका आपका नाम ना उठाए तो आप अपना नाम, वही आईडी वाला नाम जो आईडी पे होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेरा हो सकता है इसलिए उठा लिया हो क्योंकि मेरा स्मार्ट कार्ड है, अगर आपके पास दूसरा कार्ड होगा तो हो सकता है कि उस पर नाम ना उठाए, लेकिन आपने यहाँ पे नाम ऐड कर लेना है। सही है, अच्छा, जैसा कि नाम आप ऐड करेंगे उसके बाद नीचे आपका आईडी नंबर आपने खुद मैनुअल डालना पड़ेगा, वो आप ऐड करेंगे और यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप चेक कॉपी पे चले जाएंगे बैंक सेक्शन में, और यहाँ पे आपने अपलोड करना है चेक की कॉपी। सही है, अच्छा, आपका जो अगर कोई ब्लैंक चेक है, आपका अकाउंट है बैंक में किसी में, तो वो आप करेंगे, वो नहीं है तो आप इजी पैसा के अकाउंट पे आए, जैसा कि ये मेरा इजी पैसा का अकाउंट है, और यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे जैसा कि मैं इसके में जाता हूँ अकाउंट सेटिंग में जाता हूँ, अकाउंट सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ से अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ। सही है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गया तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा आईबीएन नंबर भी यहाँ पे आ रहा है। सही, आईबीएन नंबर होना चाहिए, वो आईबीएन नंबर अगर आपके पास चेक है तो आपके चेक पे होता है नीचे, आपने देखा होगा, तो आपने उस चेक की कॉपी करवा लेनी है, मतलब स्क्रीन आपने फोटो ले लेनी है,
या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। अपने इजी पैसा से अगर आप कर रहे हैं तो इजी पैसा के इस सेक्शन का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, सही है। और ये आपने यहां से आपने सबमिट करना है, और ये जैसे सबमिट करेंगे इसने आपने स्क्रीनशॉट लेके यहां पे ऐड करना है, और ये ऐड किया तो अब नीचे नाम भी इसने यहां पे भी खुद ही उठा लिया और जीमेल अकाउंट भी इसने उठा लिया, सही है। अच्छा नहीं, ये इसने नाम नीचे उठा लिया लेकिन नाम के साथ इसने जीमेल डाल दिया खुद ही, तो ये मैं हटा लेता हूं यहां से बाकी चीजें, और सिर्फ जो सही नाम है वही रहने देते हैं, उमर जेब। और यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे नीचे, और बैंक यहाँ पे हम करेंगे टेलीनॉर बैंक है, सही है, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, आपको पता होगा इजी पैसा टेलीनॉर बैंक से है, सही है। और अगर आपके पास मोबीलिंक है तो यहाँ मोबीलिंक बैंक भी है, जेज कैश है जैसे आपके जेज कैश करना चाह रहे हैं तो वो भी है, तो वो भी यहाँ पे आपसे वही सेलेक्ट करेंगे, सही है। तो टेलीनॉर बैंक हो गया, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, और यहाँ पे ब्रांच कोड, तो ब्रांच कोड क्योंकि इसका इजी पैसा का कोई ब्रांच कोड तो मैंने बड़ा सर्च किया मुझे नहीं मिला, तो ऐसे रेंडम आप कोई भी डाल दे ब्रांच कोड वो मसला नहीं है। और यहां से इसको हम सबमिट करेंगे तो ये भी हमारा हो चुका है सेक्शन आईडी और बैंक का भी, सही है। अब आगे जाते हैं तो एड प्रोडक्ट पे, सही है। अब पहले ये होता था कि दराज पे पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करना होता था, अब पैकेजिंग मटेरियल की पाबंदी नहीं है, लेकिन वो आपको कॉल करेंगे, कॉल करके पूछेंगे पैकेजिंग मटेरियल है नहीं है, अगर नहीं है तो आप ऑर्डर करो मिल जाएगी वो, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैकेजिंग मटेरियल होता है किसी से ले लेते हैं या इधर उधर, क्योंकि दराज अभी खुद भी पूरा नहीं कर पा रहा पैकेजिंग मटेरियल, तो इसलिए बहुत सारे लोग अलग से बनाते हैं तो वो भी देते हैं तो वो भी चल जाता है, सही है। लेकिन दराज का लोगो होना चाहिए, और कोई पैकेजिंग मटेरियल दराज के अलावा नहीं चलता। तो यहाँ अब आपने प्रोडक्ट एड करनी है, तो प्रोडक्ट एड करने में भी कुछ मसले हैं लोगों के, हम यहाँ प्रोडक्ट एड करेंगे तो वो भी आपको एक और टॉपिक भी कवर हो जाएगा इसमें। तो एड प्रोडक्ट पर जैसे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से बोल रहा है पिक्चर उठाओ, तो अब पिक्चर जैसा कि मोबाइल में अगर नहीं है यहाँ, इस पे मैंने एड प्रोडक्ट पर जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ अभी इमेज जो है ये मैं अभी हम गूगल से उठा लेते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे गूगल वेबसाइट पे आया और यहाँ पे ये पिक्चर है, और इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेकर मैंने क्रॉप करके रखी हुई थी, सही है। और ये मैंने उठाई है तो यहाँ पे पिक्चर हमारे पास आ गई। इस तरह आप जितनी प्रोडक्ट्स हों, जितनी पिक्चर्स हों, आप पिक्चर्स उठा के अपने पास स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके अपने अपने पास रख लें अच्छी वाली, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आप उससे उठा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, सही है। अब अगर हम टाइटल पर जाते हैं तो वो भी मैंने वहां से पेस्ट किया हुआ है या मैंने कहीं नोट किया हुआ था, और आप यहाँ पे खुद मैनुअली, आपको पता है तो आप प्रोडक्ट मैनुअली डाल दें, या आप अगर वहां से किसी जगह से कॉपी करेंगे तो वो भी आपके पास वहां पे आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करना है तो कैटेगरी अपनी यही दिखा रहा है किचन की कैटेगरी है जैसा कि ना, तो यहां से आप अपनी कैटेगरी जो भी होगी वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सही है। अगर आपको कैटेगरी अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी का नहीं पता तो आप जाएंगे अपने पास वहां दराज पे जाएंगे, और दराज पे जाके आप वहां से अपनी किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है ना वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी प्रोडक्ट की कौन सी कैटेगरी है, सही है। अच्छा अब यहां से हम आते हैं दोबारा अपने पास यहां पे आगे, सही है सही है। अब हमारे पास प्रोडक्ट नाम भी हो गया और कैटेगरी भी हो गई, सही है। अच्छा अब आते हैं हम आगे वेट में, सही है, लीटर कैपेसिटी लीटर्स में आते हैं, सही है। हमारे पास ब्रांड भी हमने सेलेक्ट कर लिया, सही है। ब्रांड अगर आपका कोई ब्रांड है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है दराज पे तो वो आप यहाँ से सर्च करेंगे आ जाएंगे, नहीं है तो आप नो ब्रांड सेलेक्ट करें, नो ब्रांड सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद फिर जो है ना वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखें तो नो ब्रांड सेलेक्ट कर लेगा, और नीचे आ गया कैपेसिटी लीटर्स। अच्छा इस पर जैसे क्लिक किया तो अब यहाँ से आपको पता है कि यार ये कितने लीटर की है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसी कैटेगरी के हिसाब से सारी सेटिंग भी चेंज होंगे, सही है। तो कैटेगरी में हमने जैसे कि जूसर सेलेक्ट किया तो ये जूसर की सारी सेटिंग आ गई है यहाँ हमारे पास, तो यहाँ लीटर वीटर सारा जो भी है ये आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट का। तो अब मुझे इसका नहीं पता तो मैंने एन एस सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। अच्छा नीचे वाट आ गया कि भाई ये कितने बिजली लेता है, तो ये भी नहीं लेता भाई, सही है, जीरो वाट लेता है, तो इसको मैं यहाँ से जीरो सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैनुअल जूसर है वो, इसमें कौन सी बिजली लेगा ये। अच्छा अब नीचे आ गया जार मटेरियल टाइप, अच्छा इसको जैसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये तीन चार ऑप्शन दे रहा है भाई कौन सा मटेरियल है, तो मैं यहाँ से इसको जैसा कि मेटल सेलेक्ट कर लेता हूँ,
और यहां से नीचे आगे तो जूसर टाइप सेटिंग, सही है। इसको जैसे सेलेक्ट क्लिक किया तो यहाँ मैनुअल जूसर है भाई, सही है। और यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट कर लिया। अच्छा अब नीचे आ गया टाइप्स ऑफ जूसर। अच्छा टाइप्स ऑफ जूसर मैनुअल जूसर, यहाँ से भी मैनुअली सेलेक्ट किया। अच्छा अब अगर आपने देखा होगा कि मेरी स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर लाइट चली गई है, और अब मैं मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसी से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लास्ट तक अभी लास्ट स्टेज ही है, तो इसलिए लाइट चली गई थी तो लेकिन बीच में, तो इसलिए अभी हम वीडियो तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, सही है। अच्छा अब यहाँ से टाइप ऑफ जूसर भी हो गया। अब डिस्क्रिप्शन, सही है, डिस्क्रिप्शन पे आप आते हैं तो फिर उसी वेबसाइट पे आ जाएं, यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी कर लें, सही है। कॉपी करेंगे और या जो कुछ चीज़ें जो चेंज कर रही है वो आप चेंज कर लें, और यहाँ पे आपने ये ऐड कर लेनी है डिस्क्रिप्शन, सही है। ये डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई, और उसके बाद इसको आप चेंज लाजमी इसको पढ़ें, लाजमी देखें, ऐसा ना हो कि ये रह जाए, कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ हो जो आपके लिए बाद में मसला हो। अच्छा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे अगर आपको पता है इसके कुछ पॉइंट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपको जैसा कि दराज पे होते हैं आप वहाँ से भी देख सकते हैं तो आपको मिल जाएंगे, तो वो इसको आप अलग किसी जगह कॉपी करके वो यहाँ पे ऐड कर लें, सही है। अच्छा कलर फैमिली आ गया, तो जैसा कि कलर सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये सिल्वर कलर है, और यहाँ से हम सिल्वर कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, और अब जैसा कि हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं सिल्वर सेलेक्ट करके, तो यहाँ आगे दिखा रहा है कि प्रोडक्ट स्टॉक, तो स्टॉक हम ऐड कर लेते हैं भाई, सही है, और प्रोडक्ट का प्राइस ऐड कर लेते हैं, और यहाँ से वारंटी टाइप नो वारंटी, सही है, इसमें कोई वारंटी अगर है आप तो आप वारंटी दें, और नीचे आ रहा है वारंटी पीरियड और पैकेज इन्फॉर्मेशन, सही है। अच्छा पैकेज इन्फॉर्मेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग आके स्टक हो जाते हैं, बोलते हैं यार पैकेजिंग मैं कैसे इसको सेटिंग करूँ ना, तो ये क्योंकि पुराना मसला एक अलग था, अभी कुछ अलग इन्होंने डिटेल में बनाया, आप अगर यहाँ पे देखें तो इन्होंने काफ़ी आसान कर दिया है अभी, सही है। आप लोगों को समझाने के लिए, लोगों को समझ नहीं आता था कि यार इसकी लेंथ क्या है, विथ क्या है, हाइट क्या है, मैं कैसे करूँ, तो अब दोस्तों अगर आपके पास फ्लायर है, फ्लायर पे अगर आप प्रोडक्ट फ्लायर के अंदर ऐड कर रहे हैं तो फ्लायर के पीछे ऑलरेडी मेंशन होता है, आप वही यहाँ पे ऐड कर दें, सही है। अगर फ्लायर नहीं है, आपकी कोई बड़ी प्रोडक्ट है और किसी कार्टन वाटर में जा रही है, तो आप उसको वजन लाजमी करें, जैसा कि ये सबसे पहले आपने वेट है इसको मेंशन करना है, और वजन आपने ऐड करना है, फिर उसके बाद लेंथ आपको बताया हुआ है कि कहाँ से आपने कैसे नापनी है आगे पिक्चर में, अच्छा विथ कैसे नापनी है और हाइट कितनी है, तो ये स्केल आपने अपने पास रख लें, और एक अगर वेट स्केल है तो वो भी रख लें, ताकि आपको प्रोडक्ट में भी आसानी हो ऐड करने में, सही है। अब जैसा कि यहाँ से अगर देखें तो इसका जो पैकेज वेट है, अब ये 0.5 ऐड कर देता हूँ, क्योंकि 0.5 से नीचे कोई वेट नहीं होता, 0.5 ही होता है मिनिमम, सही है। अगर कोई ऐसा होगा 0.2 है आप बोलें तो वो नहीं काउंट होगा, क्योंकि कोरियर में जो है आपको 0.5 ही ऐड होगा, सही है। अब 0.5 में ऐड कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आते हैं, तो यहाँ मैं इसको रेंडम डाल देता हूँ अभी फिलहाल 28, 23, और यहाँ मैं 20 करके, इसको सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, असल जो प्रोडक्ट है इसका मुझे नहीं पता इसका क्या है डायमेंशन, ये मुझे नापना पड़ेगा, तो वो करने के बाद ही पता चलेगा। आप लाजमी अपने पास स्केल रखें, तो जैसा ये बता रहा है इसी तरह आपने मेजर करके इसको ऐड कर लेना है, तो यहाँ से जैसा कि सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आपने यहाँ पे इसको सबमिट करना है, सही है। और सबमिट करने के बाद ये अगर डेंजेरियस गुड है तो वो ऐड करके सेट कर सकते हैं, बाकी आपने आगे बढ़ेंगे तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका एड प्रोडक्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, सही है। अच्छा अब जैसा कि हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं तो हमारा स्टोर क्रिएट हो चुका है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, कोई एरर मेरे सामने नहीं आया, एरर जहाँ जहाँ पे आता है मैंने आप लोगों को बता दिया कि सबसे पहले आएगा आपके पास एड्रेस में, एड्रेस में जो आएगा तो आपने मकान नंबर का ख्याल रखना है, कोई ना कोई ऐड करना है। अच्छा आईडी वेरिफिकेशन में आता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जो नाम आप अपना रखेंगे, अभी तो खुद ही उठा रहा है नाम, क्योंकि पहले ये होता है कि जो NIC आपका होगा और आपकी बैंक डिटेल या इजी पैसा का भी आपका ही होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, किसी और का होगा तो ये भाई ये मसला हमेशा रहेगा, तो आप अगर अपना आईडी डाल रहे हैं तो अपना ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, अपना इजी पैसा होना चाहिए, किसी और का है तो उसी का बैंक अकाउंट इजी पैसा होना चाहिए, और टाइटल बिल्कुल सेम होना चाहिए, अगर कैपिटल वर्ड में है तो कैपिटल हो, स्मॉल में है तो स्मॉल में हो, सही है।
और उसके बाद जो है प्रोडक्ट में डायमेंशन का जो मसला मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, सारी चीजें हो गई हैं। अब ये करना पड़ेगा आपने कि दो तीन दिन में आपके पास 48 घंटे में दराज कॉल करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, पैकेजिंग मटेरियल का पूछेगा है या नहीं है, नहीं है तो आपको लिंक विंक देगा, और अगर नहीं आती आपके पास कॉल तो आप यहां से इनकी प्रोफाइल में जाएं, अपनी प्रोफाइल में सेलर सेंटर की, और यहां से जाके हेल्प चैट पे बात करेंगे, भाई मेरी प्रोडक्ट जो है मुझे लिस्टिंग मैंने आप अकाउंट बनाया है तो उसका मुझे जो है ना अकाउंट को वेरीफाई करो, सही है। तो प्रोडक्ट अभी तक आपकी लाइव नहीं हुई है, प्रोडक्ट लाइव होगी जब वो वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद होगी, सही है। और पैकेजिंग मटेरियल का भी आप देख लें इससे पहले, लाइव करने से पहले कि पैकेजिंग मटेरियल आपके पास होना चाहिए, ऑर्डर आ जाएगा फिर आपके पास टाइम बहुत कम होता है सबमिट करवाने के लिए, तो इसलिए ये चीजें आपने पहले ख्याल रखनी है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।